भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में देशभक्ति से प्रेरित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं का पाठ किया गया। भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 30 कवि भाग ले रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर किया जाता है, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि कवियों का देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से देश के लोगों को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस बहुभाषी कवि सम्मेलन में देश की आज़ादी में सर्वस्व बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सूरज ने सबसे पहले बिहान सुनहरी लाया है, सूरज ने सबसे पहले बिहान सुनहरी लाया है, हरित धरा के आंगन में कली फूलों को महकाया है। शत शत बंदन तुमको, कोटि कोटि अभिनंदन है, निज का यही गौरव माने। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में और प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जो गतिविधियां की जा रही हैं, जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में एक बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में हम पूरे प्रदेश के लगभग 30 कवि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न भाषाओं में, पहाड़ी भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी अपनी कविताएं पढ़ेंगे। और आज़ादी से, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई इस उपलक्ष्य पर जो उनकी कविताएं हैं, उसका आधार वो होगा, उसी उपलक्ष्य में ये हो रहा है। जैसा हम जानते हैं, हमारी आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे कवियों, साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत से लोगों ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आज भी हमारे साहित्यकार और कवि उसका जो योगदान है, उसका जो रोल है समाज में, वो उतना ही ज़रूरी है, उतना ही प्रासंगिक है कि वो समाज में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ कुरीतियाँ समाज में हैं, उन सब की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करे और लोगों को प्रेरित करे उनसे दूर हटने का, उनसे दूर जाने का।